फिरोजाबाद में आज भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी जीनू सिंह के नेतृत्व में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जागरूक करते हुए आशावाद चौराहे से नलकूप कॉलोनी भारत टॉकीज तक पैदल मार्च किया गया। इस दौरान सहयोगी एवं कार्यकर्ता नारे लगाते नजर आए, भारत माता की जय, पेड़ बचाओ, पौधे लगाओ, एक कदम स्वच्छता की ओर। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन का महत्व तो हम सभी भली भांति जानते हैं, पौधारोपण द्वारा ऑक्सीजन की उपलब्धता एवं शुद्ध हवा को सुनिश्चित किया जा सकता है, इसलिए इन्होंने पौधे लगाए हैं। मीडिया प्रभारी जीनू सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि आज 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। उन्होंने आमजन से आग्रह करते हुए कहा कि वाहनों का कम प्रयोग करें, खरीदारी करने जाते समय घर से कपड़े का सिला हुआ बैग लेकर जाएं, बेवजह जलने वाली लाइटों को बंद रखें, अपने आसपास जलभराव गंदगी जमा ना होने दें, पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं। इस मौके पर भाजपा मीडिया प्रभारी जीनू सिंह, सोनू सिंह, सूरज कुशवाहा, गोयल दिवाकर, समीर भाई, राशिद भाई, अमित राठौर, राहुल गुप्ता आदि समर्थक उपस्थित रहे। हेलो भैया, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम जीनू सिंह है और मैं भारतीय जनता पार्टी से मीडिया प्रभारी हूँ। आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? नमस्कार, आज जैसा कि मैं आपको बता दूँ, आज 2 दिसंबर है, आज पूरे राष्ट्र में प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जा रहा है। जिस तरीके से पूरे विश्व में आज प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए लोग पौधे लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, जगह जगह ध्यान में रख रहे हैं, इन चीज़ों का हम भी प्रयास कर रख रहे हैं। और आज हम लोगों ने आशावाद चौराहे से लेकर और भारत टॉकीज तक पैदल मार्च किया है। इस पैदल मार्च के माध्यम से जनता को यह संदेश दे रहे हैं कि वाहन कम चलाएं, वाहन कम चलाएं, जरूरत पड़ने पर ही वाहन चलाएं, घर से जब भी निकले जाएं, कोई कपड़े का थैला हुआ थैले लेकर जाएं, उसमें सामान लेके आए अपना। इसी आप प्रत्येक आमजन से निवेदन के साथ आग्रह कर रहा हूँ कि अपने घर से जब भी निकले एक कपड़े का थैला लेकर निकले, उसमें सामान लेकर आए अपना, पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं। इसी के साथ धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।